हाँ हेलो दोस्तों, एक कहावत है या एक गाने की लेनी है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह मोहाली। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया है। अपनों से बचें। अपनों से बचें का क्या मतलब है? जो आपके बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं या क्लोज दोस्त हैं, कई बार वही आपके साथ धोखा कर देते हैं। आज मैंने ये दो केस स्टडी इसमें आपके साथ शेयर करने के लिए लिखे हैं। सबसे पहले जो है चाचा चीटर भतीजा, मतलब किसी चाचा ने भतीजा के साथ ठगी मार ली। ये 1 फरवरी 2018 की घटना है, 1 फरवरी 2018, और मुक्तसर जिला पंजाब का। उसमें किसी बच्चे ने, जो जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी, फेसबुक पे लाइव होके अपनी दास्तान सुनाई कि मेरे को किस तरीके से मेरे चाचा ने मेरी ज़मीन अपने नाम पे करवा ली और मेरे को पैसे नहीं दिए। जिस दिन पैसे नहीं दिए तो वो पंचायत इकट्ठी करी या जो भी हुआ होंगे, लेकिन फिर भी पैसे नहीं दिए तो बंदे ने लाइव होके अपने आप को गोली मार ली। दोस्तों, कितना दर्दनाक सीन है ये मैंने खुद देखा ये वीडियो। आप भी चाहो तो 1 फरवरी 2018 को फेसबुक पे इसको सर्च करके देख सकते हो। अब पंगा क्या है? पंगा ये है कि यदि चाचा ने भतीजा से ठगी मारी है तो क्या अकेला चाचा जिम्मेवार है? भाई, चाचा जिम्मेवार तब हो यदि भतीजे ने सारे प्रिकॉशंस लिए हों। उसने प्रिकॉशन तो लिए नहीं। ऐसा थोड़ी है कि उसको चाचा ने उठा के सीधा जाके वहां पर खड़ा कर दिया हो और लो जी रजिस्ट्री हो गई और घर पे आ गया। पहले रजिस्ट्री लिखी जाती है, अपॉइंटमेंट मिलती है, और कई मतलब जो डीड राइटर है उसके रजिस्टर में साइन होते हैं, और चीजें होती हैं। जब तहसीलदार के सामने जाते हैं, तहसीलदार पूछता है कि आपको पैसे मिल गए? यदि आप कह दो कि नहीं मिले तो रजिस्ट्री नहीं होती। तो दोस्तों, ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन उसके साथ ठगी हुई है, ये भी झूठ नहीं हो सकता कि वो बंदा फेसबुक पर लाइव होकर अपने आप को गोली मार रहा है। और इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। ठगी जरूर उसके साथ हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ठगी करने वाले से करवाने वाला ज़्यादा जिम्मेवार है। यदि वो अपने दिमाग से काम लेता, कहीं अपना इमोशंस ना रखता, तो फिर वो उसके साथ ठगी नहीं हो सकती थी। भाई, जब उसकी रजिस्ट्री लिखी गई है, उसके ऊपर साइन करे, तब पेमेंट क्यों नहीं मांगी गई? या तो ये कहो ना भी चाचा को गिफ्ट दे रहे हैं, भी चलो जी गिफ्ट डीड साइन हो गई है और हम रजिस्टर करवा के घर चले जाएंगे, फिर तो पैसे का लेन देन है ही नहीं। यदि गिफ्ट डीड नहीं है, सेल डीड है, तो जिस बंदे ने तो आपकी रजिस्ट्री लिखी है, रजिस्टर में साइन करवाई है, अस्टाम निकलवाए गए हैं उनके, जब फाइनल टाइम पे रजिस्ट्री साइन हुई है और फिर आप तहसीलदार के दफ्तर में गए हो फोटो खिंचवाने के लिए गए हो, तब तक आपके पास कितना टाइम था? पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से चाचा ने उसको हिप्नोटाइज किया या भतीजा ही ऐसा था भी जो इनको रियलाइज ही नहीं कर पाया। सो दोस्तों, इस तरीके से हम बच सकते हैं। यदि हमारे साथ इस तरीके का फ्रॉड होता नजर आए हमें, तो हमें हमारे पास ये नहीं है कि सामने वाला बंदा सीधा हमारी जेब काट गई और काट के भाग गया। ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है, ये नहीं है उस मतलब एकदम होने वाला कोई काम नहीं होता। सो इस तरीके से हम बच सकते हैं यदि थोड़ा सा हमें अपना प्रिकॉशंस ले लें। अगली जो घटना है, 90-year-old मैन वाज ड्यूप्ड बाई हिज क्लोज रिलेटिव। भाई, कोई बंदा अमेरिका में है, इनका मेरे को फ़ोन आया था, इनके बेटे का फ़ोन आया था मेरे को 12 जनवरी 2020 को, 12/1/2020। तो इनकी क्या कहानी है? ये अपने किसी क्लोज रिश्तेदार को अपनी जमीन सौंप कर आप जाके अमेरिका में सेट हो गए, और अमेरिका में सेट होके वो बंदे को इसलिए जमीन दी कि वो बंदे की उस बंदे को जरूरत थी। उसके पास मतलब इतनी अच्छी हालत नहीं थी, उसकी जो माली हालत है वो बढ़िया नहीं थी, तो उसके ऊपर तर्स करके वो बुजुर्ग उसको जमीन दे के चला गया। और जमीन दे के चला गया, फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बुजुर्ग के नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली। पता नहीं झूठ बोल के या कोई ऐसा बोल के कि वो वहाँ पर हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जी, ये एफिडेविट भेज दो या ये डॉक्यूमेंट भेज दो, या कोई और बंदा खड़ा करके उस बंदे के जो आई कार्ड वगैरह बना के और बंदा खड़ा करके रजिस्ट्री, मतलब उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद रजिस्ट्री करवा ली।
तो अब 90 साल का बंदा है, रजिस्ट्री यहाँ पर हुई, जब इनको पता लगा इनके पहुँच से ज़मीन निकल गई और इन्होंने फिर पुलिस कंप्लेंट देने की कोशिश की, जो बंदे यहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा जिस बंदे के नाम पे ज़मीन है, पुलिस वालों ने कहा कि जिस बंदे के नाम पे ज़मीन है वो बंदा आके कंप्लेंट करे, यहाँ पर आके कंप्लेंट करे। अब 90 साल का बुजुर्ग है वो कैसे यहाँ पर आए, ऊपर से कोरोना के दिन, कोरोना के दिनों में फ्लाइट सारी बंद, तो वो बंदों का, बंदों को इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर में से निकलना पड़ा, तो ये मतलब सोचने की बात है, हम सोच भी नहीं सकते कितना मेंटल प्रेशर उनको उनको झेलना पड़ा। 90-92 साल की जिस बुजुर्ग की उम्र है उसको आपको यहाँ आना पड़ जाए और वो भी कोरोना के दिन हों, तो कितना मतलब हम हो सकते हैं, मतलब ये मेरा कहने का मतलब, ये दोनों के स्टडी का मतलब यही है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो डेफिनेटली हमें देख के ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक बंदे पर विश्वास कर लूँ, क्योंकि जहाँ विश्वास है उसको, विश्वास को मैंने फिर पहले भी लिखा था, अब भी लिखता हूँ, विश्वास, ये विश्वास का मतलब विश प्लस वास, जहाँ आपका विश्वास होगा वहाँ विश होगी, जहर होगी, जहर का वासा होगा वहाँ पर। तो हमने विश्वास करना है बहुत ही सोच समझ के, हर नुक्ता विचार करके, नुक्ता निगाह करके हमने विश्वास करना है, ताकि इस तरीके की आपके साथ ठगी ना हो सके। आज के लिए इतने, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें, इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए कह रहा हूं कि यूट्यूब चैनल मेरे को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, इस तरीके सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। यदि सीखेंगे हम, पढ़ेंगे हम, तभी आगे बढ़ेंगे हम, तभी ऐसे फ्रॉड से बचेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ।